दोस्तों एक अपकमिंग मूवी हमें देखने को मिलने वाली है दो हजार चौबीस के अंदर जिसका टाइटल है द लोड ऑफ द रिंग्स द वार ऑफ द रोहिन मीम जी हाँ दोस्तों इसका जो टाइटल है मैं आपको बता ही चुका हूँ ये जो मूवी है मैं तकरीबन दो हज़ार चौबीस के अंदर देखने को मिलने वाली है तो सारी कुछ जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से दूंगा वीडियो को लाइक कर दे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बैलाइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुँचती रहे और साथ ही साथ आप किसी भी मूवी के बारे में कुछ भी डिटेल जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो दोस्तों अब हम इसके बारे में जानना चालू करते हैं द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द वॉर ऑफ द रोहिरिम एक आगामी एनिमेटेड फंतासी फिल्म है जो केन्जी कामियामा द्वारा निर्देशित है जो फोएबे गिटिन और आर टी पापाजोरगिव की पटकथा पर आधारित है जो जे आर आर के उपन्यास द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के परिशिष्ट में बताई गई कहानी पर आधारित है इसका निर्माण वार्नर ब्रदर्स एनिमेशन और न्यू लाइन सिनेमा द्वारा किया गया है और एनिमेशन प्रोडक्शन सोला एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। 2001 की फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग में दर्शाई गई घटनाओं से 261 साल पहले और द हॉबिट की घटनाओं से लगभग 200 साल पहले सेट किया गया एक प्रीक्वल इसमें ब्रायन कॉक्स हेल हैमर हैंड, जो कि रोहन के एक प्रसिद्ध राजा थे की भूमिका इसमें मिरांडा ओटो भी अभिनय कर रही हैं जो लाइव एक्शन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म त्रयी से इोविन की अपनी भूमिका को दोहरा रही है ए? फिल्म के विकास की घोषणा जून 2021 में की गई थी जिसमें कामियामा सलाहकार फिलिपा बॉयंस जिन्होंने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म त्रई का सह लेखन किया था और प्रारंभिक लेखक जेफरी एडिस और विल मैथ्यूज की भागीदारी थी लाइव एक्शन फिल्मों से दृश्य प्रेरणा लेते हुए एनिमेशन का काम तब तक शुरू हो चुका था गिटिंग्स और पापा जोर्गियो फरवरी 2022 तक स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 दिसंबर 2024 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज की जाएगी परिसर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग की घटनाओं से 261 साल पहले की कहानी एक द वॉर ऑफ द रोहिरिम रोहन के एक प्रसिद्ध राजा हेल्म हैमरहैंड की कहानी बताती है जिसे डनलेंडिंग की सेना के खिलाफ बचाव करना होगा वह हेल्म्स डीप के गढ़ का नाम बन गया दो कास्ट करें ब्रायन कॉक्स हेल्म हैमरहैंड के रूप में रोहन के राजा दो के रूप में मिरांडा ओटो रोहन की भविष्य की ढाल लड़की जो फिल्म का वर्णन करती है ओटो ने पीटर जैक्सन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म श्रृंखला दो शून्य शून्य एक दो शून्य शून्य तीन में अपनी भूमिका दोहराई दो गया वाइज हेरा के रूप में हेम की बेटी जो अपने लोगों की रक्षा में मदद करती है दो वुल्फ के रूप में ल्यूक पास्कालिनो डनलिंडिंग्स का क्रूर नेता जो अपने पिता की मौत के लिए रोहन से बदला लेना चाहता है दो फ्रेलाफ हिलेसन के रूप में लॉरेंस उबोंग विलियम्स हेम का भतीजा और रोहन के सिंहासन का उत्तराधिकारी तीन, फ्रेका के रूप में शॉन डूले वुल्फ के पिता एक डनलेंडिंग स्वामी तीन लोरेन एशबोन, यजदान काफोरी बेंजामिन वेनराइट माइकल वाइल्डमैन जूड के बिलाल हसना और जेनाइन डुविट्सकी को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया है दो उत्पादन विकास फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग 2001 की रिलीज की 20वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान चार फिल्म स्टूडियो न्यू लाइन सिनेमा ने जून 2021 में घोषणा की कि वह एक एनीमे प्रीक्वल फिल्म का तेजी से विकास कर रहा है वार्नर ब्रदर्स एनिमेशन पांच द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द वॉर ऑफ द रोहिरिम शीर्षक वाली यह फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द टू टॉवर्स दो हजार दो की घटनाओं से एक सौ तिरासी साल पहले की है और हेल्म हैमरहैंड की कहानी बताती है जिसकी खोज की गई है जे आर आर टॉलकिन के द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स उपन्यास का परिशिष्ट और द टू टावर्स में देखे गए किले हेलम्स डीप का नाम है वार्नर ब्रदर्स के लिए ऐसा करने के बाद केंजी कामियामा और जोसेफ चाओ फिल्म का निर्देशन और निर्माण करने के लिए तैयार थे टेलीविजन श्रृंखला ब्लेड रनर ब्लैक लोटस जेफरी एडिस और विल मैथ्यूज ने पटकथा लिखी है चार फिल्म का उद्देश्य फिल्म त्रयी की कथा से जुड़ा होना था त्रयी के सहलेखक फिलिपा बॉयंस प्रीक्वल पर, पर परामर्श दे रहे थे पांच त्रयी के निर्देशक पीटर जैक्सन और अन्य सहलेखक वॉल्श इस परियोजना में शामिल नहीं थे चार फरवरी 2022 तक एडिस और मैथ्यूज की एक कहानी के आधार पर स्क्रिप्ट बोयेंस की बेटी फोएबे गिटिन्स और उनके लेखन साथी आरटी टी द्वारा लिखी जा रही थी छह विशेष प्रभाव कंपनी वेटा वर्कशॉप के रचनात्मक निदेशक रिचर्ड टेलर और चित्रकार एलन ली और जॉन होवे भी लाइव एक्शन त्रई पर काम करने के बाद फिल्म की रचनात्मक टीम में शामिल हो गए सात दो कास्टिंग फिल्म के लिए वॉयस कास्टिंग जून 2021 में इसकी घोषणा के समय शुरू हो गई थी पांच और घोषणा फरवरी 2022 के तुरंत बाद होने की उम्मीद थी सात जून में ब्रायन कॉक्स द्वारा हेल्म को आवाज़ देने की बात सामने आई थी जिसमें मिरांडा ओटो ने अपनी भूमिका दोहराई थी कथावाचक के रूप में काम करने के लिए लाइव एक्शन फिल्मों से योबिन की फिल्म में गैया वाइज ल्यूक पासवालिनो लोरिन एशबोर्न यजदान काफोरी बेंजामिन बेनराइट लॉरेंस उबोंग विलियम्स शॉन डूले माइकल वाइल्डमैन जूड अकूबोडिके बिलाल हसना और जेनिन डुबित स्की को भी शामिल किए जाने की बात सामने आई है दो एनिमेशन सोला एंटरटेनमेंट ने जून 2021 में अपनी घोषणा के समय तक फिल्म के एनिमेशन पर काम शुरू कर दिया था और यह पारंपरिक एनीमे प्रस्तुतियों की याद दिलाने वाली शैली में हाथ से तैयार एनिमेशन का उपयोग करके इसका पहला उत्पादन होगा यह फिल्म अपनी दृश्य प्रेरणा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म से लेती है पांच सात मार्केटिंग फिल्म की अवधारणा कला पर पहली नजर जिसमें इसके दृश्यों पर लाइव एक्शन त्रयी का प्रभाव दिखाया गया था फरवरी 2022 में सामने आई थी सात अप्रैल 2023 में वार्नर ब्रदर्स ने घोषणा की कि इसके लिए पर्दे के पीछे का पूर्वावलोकन किया जाएगा फिल्म जून में एनएसी फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी 8. रिलीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द वॉर ऑफ द रोहिरिम 13 दिसंबर 2024 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज की जाएगी पहले इसे 12 अप्रैल 2024 के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन 2023 हज़ार तेईस सैग आफ्तरा हड़ताल के कारण इसकी वर्तमान तिथि में देरी हो गई कामियामा ने एनीमे स्टूडियो और प्रोडक्शन एंटरप्राइज प्रोडक्शन आईजी के साथ नियमित रूप से काम किया है जिन रोह पैटलैबोर ब्लड द लास्ट वैम्पायर सहित कार्यों का निर्माण किया है और द गोस्ट इन द शेल स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स एनिमे टेलीविजन श्रृंखला का निर्देशन किया है जिसके बाद एक श्रृंखला बनाई गई दूसरा सीजन घोस्ट इन द शैल सैक दो जीआईजी और एक टीवी फिल्म घोस्ट इन द शैल स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स सॉलिड स्टेट सोसाइटी अकीरा और किकी की डिलीवरी सर्विस जैसी प्रस्तुतियों के लिए पृष्ठभूमि कलाकार के रूप में काम करने के बाद कामियामा प्रोडक्शन आईजी में टीम ओशी में शामिल हो गई ब्लड द लास्ट वैम्पायर की पटकथा में योगदान दिया और जिन रोह के लिए एनिमेशन निर्देशक के रूप में काम किया 2002 में कामयामा ने मिनी पार्टों के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की उसके बाद घोस्ट इन द शैल स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स और घोस्ट इन द शैल सैक दो जीआईजी 2007 में स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड पर लगभग छह साल तक काम करने के बाद उन्होंने टी वी श्रृंखला गार्जियन ऑफ द सेक्रेड स्पिरिट और ईडन ऑफ द ईस्ट का निर्देशन किया कामियामा और शिंजी अरामाकी ने ब्लेड रनर ब्लैक लोटस का निर्देशन किया जो एडल्ट स्विम और रोल के लिए एक एनीमे हैं जो 2021 और 2022 में रिलीज हुई थी दो तीन चार दो अगस्त 2021 को यह घोषणा की गई कि कामयामा फीचर लेंथ एनीमे काम येन नंबर 831 सौ इकतीस द इटरनल आठ के निर्देशक और लेखक दोनों हैं जो जनवरी 2022 में वॉवो पर प्रसारित किया गया था पांच फिल्मोग्राफी डक टेल्स उन्नीस सौ सत्तासी पृष्ठभूमि पटलाबोर एक नौ आठ आठ एक नौ आठ नौ पृष्ठभूमि जला उन्नीस सौ इक्यानवे कला निर्देशक. हे केंडेन लीजेंड ऑफ द डॉग वॉरियर्स एक नौ नौ शून्य एक नौ नौ एक एक नौ नौ तीन एक नौ नौ पांच कला निर्देशक रूजन जेड उन्नीस सौ इक्यानवे सहायक कला निर्देशक जेनोसाइबर उन्नीस सौ चौरानवे कला निर्देशक जिनरोह द वुल्फ ब्रिगेड उन्नीस सौ अट्ठानवे यूनिट निदेशक वाइल्ड आर्म्स ट्वाइलाइट वेनम एक नौ 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 दो शून्य 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 एपिसोड तीन दस और इक्कीस की स्क्रिप्ट मेडाबोट्स एक नौ 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 दो शून्य 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 एपिसोड उन्नीस चौंतीस इकतालीस अड़तालीस के लिए स्टोरी बोर्ड और चौंतीस इकतालीस अड़तालीस के एपिसोड निर्देशक ऑपोलोक्रोइस स्टोरी टू दो हजार स्टोरी बोर्ड ब्लड द लास्ट वैम्पायर दो हजार पटकथा योजना सहायता मिनी पाटो दो हजार दो निर्देशक घोस्ट इन द शैल स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स दो शून्य शून्य दो दो शून्य शून्य तीन निर्देशक छह श्रृंखला रचना पटकथा स्टोरी बोर्ड मुख्य लेखक घोस्ट इन द शैल एस ए सी दो जी आई जी दो शून्य शून्य चार दो शून्य शून्य पांच निर्देशक छह श्रृंखला रचना स्क्रिप्ट स्टोरी बोर्ड मुख्य लेखक घोस्ट इन द शैल स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स सॉलिड स्टेट सोसाइटी दो हज़ार छः निर्देशक छः स्क्रिप्ट स्टोरी बोर्ड खाओ और भागो छः ब्यूटिफुल ग्रिफ्टर्स दो हज़ार सात खंड निदेशक छः मोरिबिटो गार्जियन ऑफ द स्पिरिट दो हजार सात छः निर्देशक पटकथा ईडन ऑफ द ईस्ट दो हजार नौ निर्देशक श्रृंखला रचना पटकथा स्टोरी बोर्ड मुख्य लेखक ईडन ऑफ द ईस्ट एयर कम्युनिकेशन 2009 निर्देशक पटकथा ईडन ऑफ द ईस्ट द किंग ऑफ ईडन 2009 निर्देशक पटकथा ईडन ऑफ द ईस्ट पैराडाइज लॉस्ट 2010 निर्देशक पटकथा घोस्ट इन द शैल स्टैंड अलोन कॉम्प्लेक्स सॉलिड स्टेट सोसाइटी 3D 2011 निर्देशक स्क्रिप्ट स्टोरी बोर्ड शून्य शून्य नौ नौपुन साइबोर्ग दो हज़ार बारह निर्देशक पटकथा मोहितोत्सुनो मिराइओ दो हजार चौदह निदेशक साइबोर्ग शून्य शून्य नौ कॉल ऑफ जस्टिस दो हज़ार सोलह मुख्य निदेशक नैपिंग प्रिंसेस 2017 निर्देशक पटकथा अल्ट्रामैन दो शून्य एक नौ दो शून्य दो तीन शिंजी अरामाकी के सह निदेशक घोस्ट इन द शैल सेकंडर स्कोर दो हजार पैंतालीस दो शून्य दो शून्य दो शून्य दो दो शिंजी अरामाकी के साथ निदेशक साथ स्टार वार्स विजन्स दो हजार इक्कीस द नाइन्थ जेडी ब्लेड रनर ब्लैक लोटस दो शून्य दो एक दो शून्य दो दो शिंजी अरामाकी के साथ निदेशक ये नंबर आठ सौ इकतीस दो हजार बाईस निर्देशक पांच द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द वॉर ऑफ द रोहिरिम 2024 निर्देशक आठ एक भाषाशास्त्री के रूप में टॉलकिन के पेशेवर काम के समानांतर और कभी कभी इस काम पर भारी पड़ना इस प्रभाव से कि उनका शैक्षणिक उत्पादन अपेक्षाकृत कम रहा भाषाओं के निर्माण के प्रति उनका लगाव था इनमें से सबसे विकसित क्वेनिया और सिंधारिन हैं जिनके बीच व्युत्पत्ति संबंधी संबंध टॉल्किन की अधिकांश पौराणिक कथाओं का मूल है टॉल्किन के लिए भाषा और व्याकरण सौंदर्य शास्त्र और व्यंजना का विषय था और क्वेनिया को विशेष रूप से ध्वन्यात्मक विचारों से डिजाइन किया गया था इसका उद्देश्य एल्वेन लैटिन था और फ इनिश वेल्श अंग्रेजी और ग्रीक की सामग्री के साथ ध्वन्यात्मक रूप से लैटिन पर आधारित था टी चौदह टॉल्किन ने भाषाओं को उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं से अविभाज्य माना और परिणामस्वरूप उन्होंने सहायक भाषाओं के बारे में एक उदासीन दृष्टिकोण अपनाया 1930 में एस्पेरान्तिसो की एक कांग्रेस में उनके द्वारा अपने व्याख्यान ए सीक्रेट वॉइस में कहा गया था 161 आपकी भाषा का निर्माण होगा एक पौराणिक कथा बनाएं। लेकिन 1956 तक उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि वो लापुक एस्पेरान्तो इडो नोवियल एंडसी एंडसी मृत हैं प्राचीन अप्रयुक्त भाषाओं की तुलना में कहीं अधिक घातक हैं क्योंकि उनके लेखकों ने कभी भी की सी भी एस्पेरान्तो किंवदंतियों का आविष्कार नहीं किया था तिपंद्रह टॉल्किन की पुस्तकों की लोकप्रियता का विशेष रूप से फंतासी साहित्य में भाषा के उपयोग पर एक छोटा लेकिन स्थायी प्रभाव पड़ा है और यहाँ तक कि मुख्य धारा के शब्दकोशों पर भी जो आज आमतौर पर टॉल्किन की विशिष्ट वर्तनी बौने और बौने बौने और बौने के साथ को स्वीकार करते हैं जो कि बहुत कम थी उन्नीसवीं सदी के मध्य और उससे पहले से उपयोग किया जाता है वास्तव में टॉल्किन के अनुसार यदि पुरानी अंग्रेजी का बहुवचन बचा होता तो यह बौना या बौना होता उन्होंने यूकेटास्ट्रोफे शब्द गढ़ा जिसका उपयोग मुख्य रूप से उनके अपने काम के संबंध में किया गया था एक कलाकृति मुख्य लेख टॉलकिन की कलाकृति टॉल्किन ने एक बच्चे के रूप में पेंटिंग करना और चित्रकारी करना सीखा और अपने पूरे वयस्क जीवन में ऐसा करना जारी रखा उनके लेखन करियर की शुरुआत से ही उनकी कहानियों का विकास रेखाचित्रों और चित्रों विशेष रूप से परिदृश्यों और उन भूमियों के मानचित्रों के साथ हुआ जिनमें कहानियां स्थापित की गई थीं उन्होंने अपने बच्चों को बताई गई कहानियों के साथ तस्वीरें बनाईं जिनमें बाद में मिस्टर ब्लिस और रोवरेंडम में प्रकाशित कहानियां भी शामिल थीं और उन्हें फादर क्रिसमस की ओर से आने वाले विस्तृत सचित्र पत्र भेजे हालांकि वह खुद को शौकिया मानते थे प्रकाशक ने द हॉबिट के शुरुआती संस्करणों के लिए लेखक की अपनी कवर कला, उनके नक्शे और पूरे पृष्ठ के चित्रों का उपयोग किया उन्होंने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लिए नक्शे और चित्र तैयार किए लेकिन पहले संस्करण में केवल नक्शे वन रिंग पर शिलालेख के लिए उनकी सुलेख और ड्यूरिन के दरवाजे की उनकी स्याही ड्राइंग शामिल थी उनकी अधिकांश कलाकृतियां उन्नीस सौ पंचानवे में एक पुस्तक के रूप में एकत्र और प्रकाशित की गईं। जे आर आर टॉल्कि आर्टिस्ट एंड इलस्ट्रेटर पुस्तक टॉल्किन के चित्रों रेख आचित्रों और रेखाचित्रों पर चर्चा करती है और उनके काम के लगभग 200 उदाहरण प्रस्तुत करती है एक कैथरीन मैकलवाइन ने बोडलियन लाइब्रेरी में टॉलकिन की कलाकृति की एक प्रमुख प्रदर्शनी का आयोजन किया टॉल्किन मध्य पृथ्वी का निर्माता उसी नाम की एक पुस्तक के साथ जो टॉलकिन की उपलब्धि का विश्लेषण करती है और उनके द्वारा बनाई गई कलाकृति के प्रकारों की पूरी श्रृंखला को दर्शाती है एक परंपरा, प्रभाव अधिक जानकारी फंतासी पर टॉलकिन का प्रभाव और जेआरआर टॉल्किन से प्रेरित कार्य जबकि टॉलकिन से पहले कई अन्य लेखकों ने फंतासी के कार्यों को प्रकाशित किया था द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की महान सफलता ने सीधे एक लोकप्रिय पुनरुत्थान और आधुनिक फंतासी शैली को आकार दिया इसके कारण टॉलकिन को लोकप्रिय रूप से आधुनिक फंतासी साहित्य के पिता के रूप में पहचाना जाने लगा है एक सौ या अधिक सटीक रूप से उच्च फंतासी के एक जैसा कि उर्सुला लेगिनी और उनके अर्थसी जैसे लेखकों के काम में है श्रृंखला एक छ आठ दो शून्य शून्य आठ में द टाइम्स ने उन्हें 1945 के बाद से 50 महानतम ब्रिटिश लेखकों की सूची में छठा स्थान दिया एक उनका प्रभाव संगीत तक बढ़ा है जिसमें डेनिश समूह टॉल्किन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सभी कविताओं से लेकर उनके गायन का संगीत भी शामिल है 170 और मध्य पृथ्वी पर स्थापित खेलों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक सौ इकहत्तर टॉल्किन के साहित्यिक संकेतों के बीच वह जेआईएम स्टीवर्ट की श्रृंखला इस टेयरकेस इन सरे के सभी पांच उपन्यासों में बुजुर्ग प्रोफेसर जेबी टिम्बरमिल के रूप में दिखाई देते हैं एक सौ बहत्तर एक सौ तिहत्तर विद्वान टॉम शिप्पी टॉल्किन को बीस सदी के लेखकों में से एक और सभी समय के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक के रूप में संदर्भित करते हैं एक सौ चौहत्तर और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि महाकाव्य कल्पना का कोई आधुनिक लेखक है टॉलकिन के निशान से बचने में कामयाब रहे चाहे उनमें से कई लोगों ने कितनी भी कोशिश की हो एक सौ पचहत्तर उनके काम का पश्चिमी पॉप संस्कृति पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और वह बेहद प्रभावशाली बना हुआ है एक सौ छिहत्तर रूपांतरो अधिक जानकारी फिल्म में मध्य पृथ्वी उन्नीस में प्रकाशक मिल्टन वाल्डमैन एक आठ नौ पाँच एक नौ सात छः को लिखे एक पत्र में टॉलकिन ने कम या ज्यादा जुड़ी हुई किंवदंती का समूह बनाने के अपने इरादे के बारे में लिखा था जिसमें से टी वह साइकिल को एक राजसी पूरे से जोड़ा जाना चाहिए और फिर भी रंग संगीत और नाटक चलाने वाले अन्य दिमागों और हाथों के लिए गुंजाइश छोड़े टी सोलह कई कलाकारों के हाथ और दिमाग वास्तव में टॉलकिन की किमवदंतियों से प्रेरित हुए हैं पॉलिन बेनेस टॉलकिन के द एडवेंचर्स ऑफ टॉम बॉम्बेडिल और फार्मर जायल्स ऑफ हैम के पसंदीदा चित्रकार रडोनार्ड स्वान जिन्होंने द रोड गोज एवर ऑन के लिए संगीत सेट किया था उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे डेनमार्क की रानी मार्गरेथ द्वितीय ने 1970 के दशक की शुरुआत में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के चित्र बनाए उसने उन्हें टॉलकिन के पास भेजा जो उनके स्वयं के चित्रों की शैली में समानता से आश्चर्यचकित थे 177 सौ सतहत्तर हालांकि टॉलकिन नाटकीय रूपांतरण के विचार के सख्त विरोधी नहीं थे और उन्होंने उन्नीस में द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फिल्म मंच और व्यापारिक अधिकार यूनाइटेड आर्टिस्ट्स को बेच दिए हालांकि यूनाइटेड आर्टिस्ट्स ने कभी कोई फिल्म नहीं बनाई निर्देशक जॉन बोरमन 1970 के दशक की शुरुआत में एक लाइव एक्शन फिल्म की योजना बना रहे थे 1976 में अधिकार टॉलकिन एंटरप्राइजेज को बेच दिए गए जो शाउल जेंट्स कंपनी का एक प्रभाग था और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का पहला फिल्म रूपांतरण 1978 में राल्फ बक्शी द्वारा निर्देशित एक एनिमेटेड रोटोस्कोपिंग फिल्म के रूप में फंतासी लेखक पीटर की पटकथा के साथ जारी किया गया था एस बीगल इसमें द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी का केवल पहला भाग शामिल था एक सौ अठहत्तर में द हॉबिट की एक एनिमेटेड म्यूजिकल टेलीविजन फिल्म रैंकिंग बास द्वारा बनाई गई थी और 1980 में उन्होंने एनिमेटेड म्यूजिकल टेलीविजन फिल्म द रिटर्न ऑफ द किंग का निर्माण किया जिसमें द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया था जिसमें बख्शी थे पूरा करने में असमर्थ जॉन रोनाल्ड रूएल टॉलकिन एल बटा आर यू एल टी एल के आई एन बटा टी ओ एल की तीन जनवरी अठारह सौ बानवे दो सितम्बर उन्नीस सौ तिहत्तर एक अंग्रेजी लेखक और भाषा शास्त्री थे वह उच्च फंतासी कृतियों द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लेखक थे 1925 से 1945 तक टॉल्किन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एंग्लो सैक्सन के रॉलिंसन और बोसवर्थ प्रोफेसर और पेमब्रोक कॉलेज के फेलो थे इसके बाद वह अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य के मैटन प्रोफेसर और मैटन कॉलेज के फेलो बनने के लिए उसी विश्वविद्यालय में चले गए और 1945 से उन्नीस में अपनी सेवानिवृत्ति तक इन पदों पर रहे टोल्किन सीएस लुईस के करीबी दोस्त थे जो इसके सह सदस्य थे अनौपचारिक साहित्यिक चर्चा समूह द इंकलिंग्स उन्हें 28 मार्च उन्नीस को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के कमांडर का मांडर नियुक्त किया गया था टॉलकिन की मृत्यु के बाद उनके बेटे क्रिस्टोफर ने अपने पिता के व्यापक नोट्स और अप्रकाशित पांडुलिपियों पर आधारित कार्यों की एक श्रृंखला प्रकाशित की जिसमें द सिल्मारिलियन भी शामिल है ये द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के साथ मिलकर अर्दा नामक एक काल्पनिक दुनिया और उसके भीतर मध्य पृथ्वी के बारे में कहानियों कविताओं काल्पनिक इतिहास आविष्कृत भाषाओं और साहित्यिक निबंधों का एक जुड़ा हुआ समूह बनाते हैं उन्नीस और 1955 के बीच टॉलकिन ने इन लेखों के बड़े हिस्से में लीजेंडेरियम शब्द लागू किया जबकि टॉलकिन से पहले कई अन्य लेखकों ने फंतासी के कार्यों को प्रकाशित किया था द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की महान सफलता ने सीधे शैली के लोकप्रिय पुनरुत्थान को जन्म दिया परिणामस्वरूप उन्हें लोकप्रिय रूप से आधुनिक फंतासी साहित्य के पिता के रूप में पहचाना गया है या अधिक सटीक रूप से उच्च फंतासी के और व्यापक रूप से सभी समय के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक माना जाता है जीवनी वंशावली मुख्य लेख टॉलकिन परिवार टॉलकिन अंग्रेज थे और अपने बारे में ऐसा ही सोचते थे तीन टी एक उनके तत्काल पूर्वज मध्यम वर्ग के कारीगर थे जो लंदन और बर्मिंघम में घड़ियां, घड़ियां और पियानो बनाते और बेचते थे टॉलकिन परिवार की उत्पत्ति कोनिक्सबर्ग के पास क्रेजबर्ग के पूर्वी प्रशिया शहर में हुई थी जिसकी स्थापना मध्ययुगीन जर्मन पूर्वी विस्तार के दौरान हुई थी जहां उनके सबसे पहले ज्ञात पूर्वज मिशेल टॉलकिन का जन्म 1620 के आसपास हुआ था मिशेल के बेटे क्रिस्चियंस टॉल्किन एक छ थे क्रूसबर्ग में धनी मिल मालिक चार उनक, बेटा। क्रिश्चियन टॉल्किन एक सात शून्य छः एक सात नौ एक क्रूसबर्ग से पास के डेंजिट चले गए और उनके दो बेटे डैनियल गोटलिप टॉल्किन एक सात चार सात एक आठ एक तीन और जोहान बाद में जॉन के नाम से जाने गए बेंजामिन टॉल्किन एक सात पाँच दो एक आठ एक नौ वहाँ चले गए 1770 के दशक में लंदन और अंग्रेजी परिवार के पूर्वज बन गए छोटा भाई जेआरआर टॉल्किन का दूसरा परदादा था एक में जॉन बेंजामिन टॉल्किन और विलियम ग्रेवेल ने लंदन में एडली नॉर्टन निर्माण का अधिग्रहण किया जो तब से ग्रेवेल एंड टॉल्किन नाम से घड़िया और घड़िया बेचने लगा डेनियल गोटलिब ने एक हजार सात सौ चौरानवे मैं ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त कर ली लेकिन जॉन बेंजामिन स्पष्ट रूप से कभी ब्रिटिश नागरिक नहीं बने अन्य जर्मन रिश्तेदार लंदन में दोनों भाइयों के साथ शामिल हुए टॉलकिन उपनाम या समान वर्तनी वाले कई लोग उनमें से कुछ जेआरआर टॉल्किन जैसे एक ही परिवार के सदस्य हैं उत्तरी जर्मनी में रहते हैं लेकिन उनमें से अधिकांश उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में उन्नीस में पूर्वी प्रशिया को खाली कर दिया था पांच चार छः रेजर्ड डर्जिंसकी के अनुसार उपनाम टॉलकिन निम्न प्रशियाई मूल का है और संभवतः इसका अर्थ है टोलक का पुत्र बटावंशज पांच चार टोल्किन ने गलती से मान लिया कि उनका उपनाम जर्मन शब्द टोलकुन से आया है जिसका अर्थ है मूर्ख साथ और मजाक में खुद को द नोशन क्लब पेपर्स में कैमियो के रूप में शाब्दिक रूप से अनुवादित नाम रैशबोर्ड के तहत डाला आठ हालांकि डेरडजिंस्की ने इसे एक झूठी व्युत्पत्ति के रूप में प्रदर्शित किया है जबकि जेआरआर टॉल्किन को अपने परिवार के जर्मन मूल के बारे में पता था परिवार के इतिहास के बारे में उनका ज्ञान सीमित था क्योंकि वह अपने समय से पहले मृत पिता के परिवार से अलग थलग थे पांच चार बचपन एक हज़ार आठ सौ बानवे ब्लोम फोन्टेन में टॉलकिन परिवार की रंगीन तस्वीर वाला क्रिसमस कार्ड इंग्लैंड के बर्मिंगहम में रिश्तेदारों को भेजा गया जॉन रोनाल्ड रूएल टॉल्किन जनवरी अठारह सौ बानवे को ऑरेंज फ्री स्टेट बाद में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया अब दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में फ्री स्टेट प्रांत के ब्लोफोन्टेन में एक अंग्रेजी बैंक आर्थर रूएल टॉलकिन एक आठ सात एक आठ नौ छ के घर हुआ था प्रबंधक और उनकी पत्नी माबेल नी सफीड एक आठ सात शून्य एक नौ शून्य चार जब आर्थर को ब्रिटिश बैंक के ब्लोम फोंटेन कार्यालय के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया था जिसके लिए उन्होंने काम किया था तब दंपति ने इंग्लैंड छोड़ दिया था टॉलकिन का एक भाई था उसका छोटा भाई हिलेरी आर्थर रूए टॉलकिन, जिसका जन्म 17 फरवरी एक को हुआ था नौ no. एक बच्चे के रूप में टॉल्किन को बगीचे में एक बड़े बबून मकड़ी ने काट लिया था कुछ लोगों का मानना है कि यह घटना बाद में उनकी कहानियों में भी सुनाई दी हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि एक वयस्क के रूप में उन्हें इस घटना की कोई वास्तविक याद नहीं है टॉल्किन के बचपन की एक पुरानी घटना में परिवार का एक युवा नौकर बच्चे को अपने घर ले गया और अगली सुबह उसे लौटा दिया दस जब वह तीन वर्ष के थे तो वह अपनी माँ और भाई के साथ एक लंबी पारिवारिक यात्रा पर इंग्लैंड गए हालांकि उनके शामिल होने से पहले ही उनके पिता की दक्षिण अफ्रीका में आमवाती बुखार से मृत्यु हो गई ग्यारह इससे परिवार में कोई आय नहीं रह गई इसलिए टॉलकिन की माँ उसे किंग्स हीथ बारह बर्मिंगहम में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए ले गईं इसके तुरंत बाद एक में वे सारे होल अब हॉल ग्रीन में चले गए जो उस समय एक वॉरसेस्टरशायर गांव था जिसे बाद में बर्मिंगहम में मिला लिया गया तेरा उन्हें सरेहोल मिल और मो बोग और क्लेंट लिकी और मालवर्न हिल्स की खोज करने में आनंद आया जो बाद में उनकी किताबों में दृश्यों को प्रेरित करेगा साथ ही ब्रोम्सग्रोव अल्सेस्टर और अल्वेचर्च जैसे आसपास के कस्बों और गांवों और उनकी चाची जेन के स्थानों जैसे स्थानों की खोज की फार्म बैग एंड जिसका नाम उन्होंने अपने उपन्यास में इस्तेमाल किया चौदह बर्मिंगहम वक्तृत्व जहां टॉलकिन एक पेरिशियन और वेदी लड़का था एक नौ शून्य दो एक नौ एक एक माबेल टोल्किन ने अपने दो बच्चों को घर पर ही पढ़ाया रोनाल्ड जैसा कि वह परिवार में जाना जाता था एक उत्सुक छात्र था पंद्रह उसने उसे वनस्पति विज्ञान के बारे में बहुत कुछ सिखाया और उसमें पौधों के रूप और अनुभव का आनंद जगाया युवा टॉल्किन को परिदृश्य और पेड़ों को चित्रित करना पसंद था लेकिन उनके पसंदीदा पाठ भाषाओं से संबंधित थे और उनकी मां ने उन्हें बहुत पहले ही लैटिन की मूल बातें सिखाई थीं सोलह टॉल्किन चार साल की उम्र तक पढ़ सकते थे और उसके तुरंत बाद धारा प्रवाह लिख सकते थे उनकी मां ने उन्हें कई किताबें पढ़ने की इजाज़त दी उन्हें ट्रेजर आइलैंड और द पाइड पाइपर नापसंद थे और उनका मानना था कि लुईस कैरोल की एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड मनोरंजक लेकिन परेशान करने वाली थी उन्हें रेड इंडियंस यह शब्द तब साहसिक कहानियों में मूल अमेरिकियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था सत्रह और जॉर्ज मैकडोनाल्ड की काल्पनिक कृतियों के बारे में कहानियां पसंद थीं। अठारह इसके अलावा लैंग की फेरी बुक स उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थीं और उनका प्रभाव उनके बाद के कुछ लेखों में स्पष्ट है उन्नीस बर्मिंगहम में किंग एडवर्ड स्कूल जहां टॉलकिन छात्र थे एक नौ शून्य शून्य एक नौ शून्य दो एक नौ शून्य तीन एक नौ एक एक बीस माबेल टोल्किन को उनके बैप्टिस्ट परिवार के कड़े विरोध के बावजूद उन्नीस सौ में रोमन कैथोलिक चर्च में शामिल कर लिया गया इक्कीस जिसने उन्हें दी जाने वाली सभी वित्तीय सहायता बंद कर दी उन्नीस सौ चार में जब जे आर आर टॉल्किन बारह वर्ष के थे उनकी मां की रेडन में फ्रिन कॉटेज में तीव्र मधुमेह से मृत्यु हो गई जिसे वह किराए पर ले रही थीं तब उनकी उम्र लगभग चौंतीस वर्ष थी लगभग उतनी ही उम्र जितनी मधुमेह मिलिटस टाइप एक से पीड़ित व्यक्ति उपचार के बिना जीवित रह सकता था दो दशक बाद 1921 तक इंसुलिन की खोज नहीं की गई थी अपनी मृत यू के नौ साल बाद टॉलकिन ने लिखा मेरी अपनी प्रियमा वास्तव में एक शहीद थी और यह हर किसी के लिए नहीं है कि भगवान अपने महान उपहारों के लिए इतना आसान रास्ता प्रदान करें जैसा कि उन्होंने हिलेरी और मेरे लिए किया था हमें एक ऐसी माँ दी जिसने हत्या कर दी हमें विश्वास बनाए रखने के लिए खुद को श्रम और परेशानी के साथ सुनिश्चित किया 21 अपनी मृत्यु से पहले माबेल टॉल्किन ने अपने बेटों की संरक्षकता अपने क़रीबी दोस्त बर्मिंगहम ऑरिटरी के फादर फ्रांसिस जेवियर मॉर्गन को सौंपी थी जिन्हें उन्हें अच्छे कैथोलिक के रूप में पालने का काम सौंपा गया था दो दो एक नौ छः पाँच में अपने बेटे माइकल को लिखे एक पत्र में टॉल्किन ने उस व्यक्ति के प्रभाव को याद किया जिसे वह हमेशा फ़ादर फ़्रांसिस कहते थे वह एक उच्च वर्ग के वेल्स स्पेनियार्ड टोरी थे और कुछ लोगों को बस एक पुरानी गपशप लगती थी वह था और वह नहीं था मैंने सबसे पहले दान और क्षमा उनसे सीखी इसके प्रकाश में उस उदार अंधकार को भी पार किया जिसमें से मैं बाहर आया था यीशु की मां की तुलना में ब्लडी मैरी के बारे में अधिक जानता था जो रोमनवादियों द्वारा दुष्ट पूजा की वस्तु के अलावा कभी इसका उल्लेख नहीं किया गया दो अपनी मां की मृत्यु के बाद टॉलकिन बर्मिंगहम के एजबेस्टन क्षेत्र में पले बढ़े और उन्होंने किंग एडवर्ड स्कूल बर्मिंगहम और बाद में सेंट फिलिप स्कूल में पढ़ाई की 1903 में उन्होंने फाउंडेशन छात्रवृत्ति जीती और किंग एडवर्ड के पास लौट आए तेईस युवा अपनी शुरुआती किशोरावस्था में टॉलकिन की पहली मुठभेड़ एक निर्मित भाषा एनिम्लिक से हुई थी जो उनके चचेरे भाई मैरी और मार्जोरी इनक्लेडन का आविष्कार था उस समय वह लैटिन और एंग्लो सैक्सन का अध्ययन कर रहे थे एनिम्लिक में उनकी रुचि जल्द ही खत्म हो गई लेकिन मैरी और टॉलकिन सहित अन्य लोगों ने नेबोश नामक एक नई और अधिक जटिल भाषा का आविष्कार किया अगली निर्मित भाषा जिसके साथ वह काम करने आए थे नफरिन उनकी अपनी रचना होगी चौबीस पच्चीस टॉल्किन ने 1909 से कुछ समय पहले एस्पेरांतो सीखा था 10 जून 1909 के आस पास उन्होंने द बुक ऑफ द फॉक्सरूक की रचना की जो एक 16 पेज की नोटबुक थी जिसमें उनके आविष्कृत वर्णमाला में से एक का सबसे पुराना उदाहरण दिखाई देता है छब्बीस इस नोटबुक में लघुपाठ एस्पेरान्तो में लिखे गए हैं सत्ताईस उन्नीस सौ ग्यारह में जब वे किंग एडवर्ड स्कूल में थे टॉलकिन और तीन दोस्तों रॉब गिल्सन जेफरी बाचे स्मिथ और क्रिस्टोफर वाइसमैन ने एक अर्धगुप्त सोसाइटी बनाई जिसे उन्होंने टीसीबीएस कहा प्रारंभिक अक्षर टी क्लब और बैरोवियन सोसाइटी के लिए थे जो उनकी ओर इशारा करते थे स्कूल के पास बैरोज स्टोर्स में और गुप्त रूप से स्कूल की लाइब्रेरी में चाय पीने का शौक़ 28 स्कूल छोड़ने के बाद सदस्य संपर्क में रहे और दिसंबर 1914 में उन्होंने लंदन में वाइसमैन के घर पर एक परिषद का आयोजन किया टॉलकिन के लिए इस बैठक का परिणाम कविता लिखने के प्रति एक मजबूत समर्पण था उन्नीस 1911 में टॉलकिन स्विट्जरलैंड में गर्मियों की छुट्टियों पर गए एक यात्रा जिसे उन्होंने उन्नीस के पत्र में स्पष्ट रूप से याद किया टी ती तीन जिसमें लिखा था कि मिस्टी पर्वत के पार बिल्बो की यात्रा पाइन के जंगलों में फिसलते पत्थरों के नीचे की ओर फिसलन सहित सीधे तौर पर उनके कारनामों पर आधारित है क्योंकि 12 लोगों की उनकी पार्टी ने इंटरलेकन से लौटर तक पैदल यात्रा की और मुरेन से आगे मोराइन में डेरा डाला सत्तावन साल बाद टॉलकिन को जुंगफ्राउ और सिल्वर हॉर्न मेरे सपनों की सिल्वरटाइन से ले बडिल की शाश्वत बर्फ के दृश्य को छोड़ने का अफसोस याद आया वे क्लेन शहीदेग से ग्रिंडेल तक और ग्रोस शहीदेग से मीरिंगेन तक गए वे ग्रिमसेल दरवे से होते हुए ऊत्री वैलैस से ब्रिग तक और अलेक्ष ग्लेशियर और जरमेट तक जारी रहे इक्तीस उसी वर्ष अक्टूबर में टॉल्किन ने एक सेटर कॉलेज ऑक्सफोर्ड में अध्ययन शुरू किया उन्होंने शुरू में क्लासिक्स पढ़ी लेकिन 1913 में अपना पाठ्यक्रम अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य में बदल लिया और 1915 में प्रथम श्रेणी सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की बत्तीस ऑक्सफोर्ड में उनके शिक्षकों में जोसेफ राइट भी थे जिनके गौथिक भाषा के प्राइमर ने टॉल्किन को एक स्कूली छात्र के रूप में प्रेरित किया था तैतीस प्रेमालाप और विवाह सोलह साल की उम्र में टॉलकिन की मुलाकात एडिथ मैरी ब्रैड से हुई जो उनसे तीन साल बड़ी थी जब वह और उनके भाई हिलेरी डचेस रोड एजबेस्टन में बोर्डिंग हाउस में रहने चले गए हम्फ्री कारपेंटर के अनुसार एडिथ और रोनाल्ड बार बार बर्मिंगहम चाय की दुकानों में जाते थे खासकर उस दुकान में जिसकी बालकनी फुटपाथ की ओर देखती थी वहाँ वे बैठते थे और राहगीरों की टोपियों में चीनी के टुकड़े फेंकते थे और जब चीनी का कटोरा होता था तो अगली मेज़ पर चले जाते थे खाली अपने व्यक्तित्व और अपनी स्थिति के दो लोगों के साथ रोमांस तय था दोनों अनाथ थे जिन्हें स्नेह की आवश्यकता थी और उन्होंने पाया कि वे इसे एक दूसरे को दे सकते हैं 1909 की गर्मियों के दौरान उन्होंने फ़ैसला किया कि वे प्यार में थे 34. उनके अभिभावक फादर मॉर्गन ने इसे पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण मानाटी चार की उनका सरोगेट बेटा एक वृद्ध प्रोटेस्टेंट महिला के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ था टॉलकिन ने लिखा कि संयुक्त तनाव ने उनकी परीक्षाओं को खराब करने में योगदान दिया टीचार मॉर्गन ने उसे 21 साल की उम्र तक एडिथ से मिलने बात करने या यहां तक कि पत्र व्यवहार करने से प्रतिबंधित कर दिया ने इस निषेध का अक्षरश: पालन किया 35 एक उल्लेखनीय प्रारंभिक अपवाद के साथ जिस पर फादर मॉर्गन ने अपने विश्वविद्यालय को छोटा करने का की धमकी दी थी करियर अगर वह नहीं रुका छत्तीस अपने इक्कीसवें जन्मदिन की शाम को टॉल्किन ने एडिथ को लिखा जो चेल्टनहैम में पारिवारिक मित्र सीएच जेसोप के साथ रह रहा था उसने घोषणा की कि उसने उससे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा है और उससे शादी करने के लिए कहा एडिथ ने उत्तर दिया कि उसने अपने सबसे करीबी स्कूल मित्रों में से एक के भाई जॉर्ज फील्ड के प्रस्ताव को पहले ही स्वीकार कर लिया है लेकिन एडिथ ने कहा कि वह फील्ड से शादी करने के लिए केवल इसलिए सहमत हुई थी क्योंकि वह खुद को खत्म महसूस कर रही थी और उसे संदेह होने लगा था कि टॉलकिन अभी भी उसकी परवाह करता है उसने बताया कि टॉलकिन के पत्र के कारण सब कुछ बदल गया था सैतीस आठ जनवरी 1913 को टॉल्किन ने चेल्टनहैम तक ट्रेन से यात्रा की और एडिथ से मंच पर उनकी मुलाकात हुई दोनों ग्रामीण इलाकों में टहलने गए रेलवे पुल के नीचे बैठे और बातें करने लगे दिन के अंत तक एडिथ टॉलकिन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया था उसने फील्ड को लिखा और अपनी सगाई की अंगूठी लौटा दी फील्ड पहले बहुत परेशान थी फीड परिवार अपमानित और क्रोधित था सैंतीस एडिट की नई योजनाओं के बारे में जानने पर जेसोप ने उसके अभिभावक को लिखा मुझे टॉलकिन के खिलाफ कुछ नहीं कहना है वह एक उसंस्कृत सज्जन व्यक्ति हैं लेकिन उनकी संभावनाएं बेहद खराब हैं और वह कब शादी करने की स्थिति में होंगे मैं कल्पना नहीं कर सकता अगर उन्होंने कोई पेशा अपनाया होता तो बात कुछ और होती अड़तीस अपनी सगाई के बाद एडिथ ने अनिच्छा से घोषणा की कि वह टॉलकिन के आग्रह पर कैथोलिक धर्म में परिवर्तित हो रही है जेसोप उसकी उम्र और वर्ग के कई अन्य लोगों की तरह दृढ़ता से कैथोलिक विरोधी क्रोधित हो गया और उसने एडिथ को अन्य आवास खोजने का आदेश दिया उनतालीस एडिथ ब्रैट और रोनाल्ड टॉल्किन की जनवरी 1913 में बर्मिंगहम में औपचारिक रूप से सगाई हुई और 22 मार्च 1916 को वार्विक के सेंट मैरी इमैक्युलेट कैथोलिक चर्च में शादी हुई चालीस माइकल को 1941 में लिखे अपने पत्र में टॉल्किन ने अपनी पत्नी की शादी करने की इच्छा के लिए प्रशंसा व्यक्त की वह व्यक्ति जिसके पास कोई नौकरी नहीं है बहुत कम पैसा है और महान युद्ध में मारे जाने की संभावना के अलावा कोई संभावना नहीं है प्रथम विश्व युद्ध। टॉलकिन अपनी सैन्य वर्दी में तीन नवंबर 1920 को टॉलकिन को पदच्युत कर दिया गया और उन्होंने लेफ्टिनेंट का पद बरकरार रखते हुए सेना छोड़ दी बासठ प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनकी पहली नागरिक नौकरी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में थी जहां उन्होंने मुख्य रूप से डब्ल्यू अक्षर से शुरू होने वाले जर्मनिक मूल के शब्दों के इतिहास और व्युत्पत्ति पर काम किया छ तीन एक नौ दो शून्य में उन्होंने लीड्स विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी भाषा में रीडर के रूप में एक पद संभाला और वहां एकेडमिक स्टाफ के सबसे कम उम्र के सदस्य बन गए चौंसठ लीड्स में रहते हुए उन्होंने ए ईवी e. गॉर्डन के साथ ए मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी और सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट का एक निश्चित संस्करण तैयार किया दोनों कई दशकों तक अकादमिक मानक कार्य बने रहे उन्होंने सर गवेन पर्ल और सर ऑर्फियो का अनुवाद किया 1925 में वह पेमब्रोक कॉलेज में फेलोशिप के साथ रॉलिंसन और एंग्लो सैक्सन के बोसवर्थ प्रोफेसर के रूप में ऑक्सफोर्ड लौट आए पैंसठ 1919 के मध्य में उन्होंने निजी तौर पर स्नातक छात्रों को पढ़ाना शुरू किया सबसे महत्वपूर्ण रूप से लेडी मार्गरेट हॉल और सेंट ह्यूज कॉलेज के छात्रों को यह देखते हुए कि महिला कॉलेजों को अपने शुरुआती वर्षों में अच्छे शिक्षकों की बहुत ज़रूरत थी और टॉलकिन एक विवाहित प्रोफेसर के रूप में तब भी सामान्य नहीं को उपयुक्त माना गया जैसा कि एक कुंवारा डॉन नहीं होता छियासठ ब्रोक कॉलेज में अपने समय के दौरान टॉल्किन ने उत्तरी ऑक्सफोर्ड में 20 नॉर्थमूर रोड पर रहते हुए द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के पहले दो खंड लिखे 1932 में उन्होंने 1928 में ग्लॉस्टरशायर के लिडनी पार्क में सर मोर्टिमर भीलर द्वारा एक रोमन एस्क्लेपियन की खोज के बाद नोडेंस नाम पर एक दार्शनिक निबंध प्रकाशित किया सड़सठ बियोवुल्फ अधिक जानकारी बियोवुल्फ एक अनुवाद और टिप्पणी और अनुवाद पर बियोवुल्फ 1920 के दशक में टॉलकिन ने बियोवुल्फ का अनुवाद किया जिसे उन्होंने 1926 में समाप्त किया लेकिन प्रकाशित नहीं किया इसे बाद में उनके बेटे क्रिस्टोफर द्वारा संपादित किया गया और 2014 में प्रकाशित किया गया अड़सठ अपना अनुवाद समाप्त करने के 10 साल बाद टॉल्किन ने काम पर एक अत्यधिक प्रशंसित व्याख्यान दिया बियोवुल्फ, द मॉन्स्टर्स एंड द क्रिटिक्स जिसका बियोवुल्फ अनुसंधान पर स्थायी प्रभाव पड़ा उनहत्तर ई. निकोलसन ने कहा कि लेख को बियोवुल्फियन आलोचना में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है यह देखते हुए कि टॉल्किन ने अपने विशुद्ध भाषाई तत्वों के विपरीत काम की काव्यात्मक प्रकृति की प्रधानता स्थापित की सत्तर उस समय विद्वानों की सर्वसम्मति ने यथार्थवादी जनजातीय युद्ध के बजाय राक्षसों के साथ बचकानी लड़ाई से निपटने के लिए बियोवुल्फ की निंदा की टॉलकिन ने तर्क दिया कि बियोवुल्फ का लेखक सामान्य रूप से मानव नीति को संबोधित कर रहा था न कि विशेष जनजातीय राजनीति तक सीमित और इसलिए कविता के लिए राक्षस आवश्यक थे इकहत्तर जहां बियोवुल्फ विशिष्ट जनजातीय संघर्षों से निपटता है जैसे कि फिंसबर्ग में टॉलकिन ने शानदार तत्वों में पढ़ने के खिलाफ दृढ़ता से तर्क दिया बेहतर निबंध में टॉलकिन ने बताया कि वह बियोवुल्फ को कितना महत्व देते थे बियोवुल्फ मेरे सबसे मूल्यवान स्रोतों में से एक है यह प्रभाव उनके पूरे मध्य पृथ्वी लीजेंडरियम में देखा जा सकता है तिहत्तर हमफ्री कारपेंटर के अनुसार टॉल्किन ने बियोवुल्फ पर अपने व्याख्यानों की श्रृंखला बहुत ही प्रभावशाली तरीके से शुरू की चुपचाप कमरे में प्रवेश किया दर्शकों को एक नज़र से देखा और अचानक पुरानी अंग्रेज़ी में कविता की शुरुआती पंक्तियाँ घोषित कर दी, जिसकी शुरुआत एक महान रोने के साथ हुई हुएट का। यह एक मीड हॉल में एक एंग्लो सैक्सन का नाटकीय प्रतिरूपण था और इसने छात्रों को एहसास कराया कि बियोबुल्फ सिर्फ एक निर्धारित पाठ नहीं था बल्कि नाटकीय कविता का एक शक्तिशाली टुकड़ा था चौहत्तर दशकों बाद डब्ल्यूएच ऑडेन ने अपने पूर्व प्रोफेसर को पत्र लिखकर बियोबुल्फ को पढ़ते हुए सुनने के अविस्मरणीय अनुभव के लिए धन्यवाद दिया और कहा आवाज गैंडाल्व की आवाज थी द्वितीय युद्ध मैटन कॉलेज जहां टॉलकिन अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्रोफेसर थे एक नौ चार पांच एक नौ पांच नौ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टॉल्किन को एक कोडब्रेकर के रूप में चिन्हित किया गया था जनवरी उन्नीस में उन्हें राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में विदेश कार्यालय के क्रिप्टोग्राफिक विभाग में सेवा करने के लिए कहा गया 27 मार्च से शुरू होकर उन्होंने सरकारी कोड और साइफर स्कूल के लंदन मुख्यालय में एक निर्देशात्मक पाठ्यक्रम लिया उन्हें अक्टूबर में सूचित किया गया कि उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी पचहत्तर टी छिहत्तर उन्नीस में टॉलकिन मैटन कॉलेज ऑक्सफोर्ड चले गए और अंग्रेजी भाषा और साहित्य के मैटन प्रोफेसर बन गए सतहत्तर जिस पद पर वह उन्नीस में अपनी सेवानिवृत्ति तक बने रहे उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज गॉल्वे अब एनयूआई गॉल्वे के लिए एक बाहरी परीक्षक के रूप में कार्य किया कई वर्षों के लिए सात आठ एक नौ पांच चार में टॉल्किन को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड जिसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज गॉल्वे एक घटक कॉलेज था से मानद उपाधि प्राप्त हुई उनासी टॉल्किन ने पहले रेखाचित्रों के लगभग एक दशक बाद 1948 में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्सपुर की अस्सी परिवार मुख्य लेख टॉलकिन परिवार टॉलकिंस के चार बच्चे थे जॉन फ्रांसिस रुए टॉलकिन 17 नवंबर 1917 22 जनवरी 2003 माइकल हिलेरी रुए टॉलकिन 22 अक्टूबर 1920 27 फरवरी उन्नीस क्रिस्टोफर जॉन रुए टॉलकिन 21 नवंबर 1924 16 जनवरी 2020 और प्रिसिला मैरी एनी रुए टॉलकिन 18 जून उन्नीस 28 फरवरी 2022 इक्यासी बयासी टॉल्किन अपने बच्चों के प्रति बहुत समर्पित थे और जब वे छोटे थे तो उन्होंने उन्हें फादर क्रिसमस के सचित्र पत्र भेजे थे। निवृत्ति कॉलेज, ऑक्सफोर्ड के चैपल में टॉलकिन की प्रतिमा अपने सेवानिवृत्ति जीवन के दौरान उन्नीस से उन्नीस में अपनी मृत्यु तक टॉलकिन को लगातार जनता का ध्यान और साहित्यिक प्रसिद्धि मिली 1961 में उनके मित्र सीएस लुईस ने उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया था चौरासी उनकी किताबों की बिक्री इतनी लाभदायक थी कि उन्हें पछतावा हुआ कि उन्होंने जल्दी सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं चुना एक एक नौ सात दो के एक पत्र में उन्होंने एक पंथ व्यक्ति बनने पर खेद व्यक्त किया लेकिन स्वीकार किया कि यहां तक कि एक बहुत ही मामूली मूर्ति की नाक भी अगरबत्ती की मीठी गंध से पूरी तरह से अछूती नहीं रह सकती टी सात प्रशंसक का ध्यान इतना तीव्र हो गया कि टॉलकिन को अपना फ़ोन नंबर सार्वजनिक निर्देशिका टी आठ से हटाना पड़ा और अंत वह और एडिथ बोर्नमाउथ चले गए जो उस समय ब्रिटिश उच्च मध्यम वर्ग द्वारा संरक्षित एक समुद्र तटीय सैरगाह था सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक के रूप में टॉलकिन की स्थिति ने उन्हें विनम्र समाज में आसान प्रवेश दिया लेकिन टॉलकिन को अपने साथी इंक्लिंस की संगति की बहुत याद आती थी हालांकि एडिथ एक सोसाइटी परिचारिका की भूमिका में कदम रखकर बहुत खुश थी यही कारण था कि टॉलकिन ने पहले स्थान पर बोर्नमाउथ को चुना रोनाल्ड और एडिथ के बीच वास्तविक और गहरे स्नेह को एक दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में उनकी देखभाल उपहार लपेटने जैसे विवरणों में प्रदर्शित किया गया था जिस उदार तरीके से उन्होंने ऑक्सफोर्ड में अपना जीवन त्याग दिया ताकि वह बोर्नमाउथ में सेवानिवृत्त हो सकें और उनके बनने पर गर्व था एक प्रसिद्ध लेखक वे अपने बच्चों और पोते पोतियों के प्रति प्रेम से भी एक दूसरे से बंधे हुए थे पचासी अपनी सेवानिवृत्ति में टॉलकिन 1966 में प्रकाशित द जेरूसलम बाइबिल के सलाहकार और अनुवादक थे शुरुआत में उन्हें अनुवाद करने के लिए एक बड़ा हिस्सा सौंपा गया था लेकिन अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण वे केवल अन्य योगदानकर्ताओं की कुछ आलोचनाएं और पुस्तक का अनुवाद ही पेश कर पाए योना का टीना अंतिम वर्ष जेआर और एडिथ टॉल्किन की कब्र वोल्वरकोट कब्रिस्तान ऑक्सफोर्ड। एडिथ की बयासी वर्ष की आयु में 29 नवंबर उन्नीस सौ इकहत्तर को मृत्यु हो गई रोनाल्ड ऑक्सफोर्ड लॉट आए जहां मैटन कॉलेज ने उन्हें हाई स्ट्रीट के पास सुविधाजनक कमरे दिए वह एडिथ से चूक गया लेकिन शहर में वापस आने का आनंद लिया छियासी टॉल्किन को उन्नीस बहत्तर के नए साल के सम्मान में ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश का कमांडर बनाया गया था सत्तासी और 28 मार्च उन्नीस बहत्तर को बकिंगहम पैलेस में आदेश का प्रतीक चिन्ह प्राप्त किया टी दस उसी वर्ष ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद सम्मान दिया पत्रों की डॉक्टरेट बत्तीस अट्ठासी उसका नाम लूथियन सिक ऑक्सफोर्ड के वोल्वरकोट कब्रिस्तान में एडिथ की समाधि पर खुदा हुआ था जब टॉलकिन की 21 महीने बाद 2 सितंबर 1973 को रक्तस्रावी अल्सर और छाती में संक्रमण से मृत्यु हो गई नवासी इक्यासी वर्ष की आयु में नब्बे तो उन्हें उसी कब्र में दफनाया गया उनके नाम के साथ बेरेन जोड़ा गया टॉल्किन की वसीयत 20 दिसंबर 1973 को साबित हुई उनकी संपत्ति का मूल्य एक लाख नब्बे हजार पांच सौ सतहत्तर पाउंड दो हजार इक्कीस में दो चार सौ बावन शून्य 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 के बराबर था इक्यानवे बानवे दृश्य द कोर्नर ऑफ द ईगल एंड चाइल्ड पब ऑक्सफोर्ड जहां इंकलिंग्स की मुलाकात हुई एक नौ तीन शून्य एक नौ पांच शून्य धर्म टॉलकिन की ईसाई धर्म यहां पुनर्निर्देश करता है मध्य पृथ्वी में ईसाई धर्म के साथ भ्रमित न हो टॉलकिन का कैथोलिक धर्म सीएस लुईस के नास्तिकता से ईसाई धर्म में रूपांतरण में एक महत्वपूर्ण कारक था हालांकि टॉलकिन इस बात से निराश थे कि लुईस ने इंग्लैंड के चर्च में शामिल होने का विकल्प चुना तिरानवे उन्होंने एक बार रेनर अनविन की बेटी कैमिला को लिखा था जो जीवन का उद्देश्य जानना चाहती थी कि हमारे पास मौजूद सभी तरीकों से ईश्वर के बारे में हमारे ज्ञान को अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाना और उससे आगे बढ़ना है प्रशंसा और धन्यवाद करना चौरानवे धन्य संस्कार के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा थी उन्होंने अपन ये बेटे माइकल को लिखा था कि धन्य संस्कार में तुम्हें रोमांस महिमा सम्मान निष्ठा और पृथ्वी पर आपके सभी प्रेमों का सच्चा मार्ग मिलेगा और उससे भी अधिक टी उन्होंने तदनुसार पवित्र कम्युनियन के लगातार स्वागत को प्रोत्साहित किया फिर से अपने बेटे माइकल को लिखा कि बेहोशी विश्वास की शिथिलता का एकमात्र इलाज कम्युनियन है उनका विश्वास था कि कैथोलिक चर्च अपने स्थान के गौरव और धन्य संस्कार को रखने वाले सम्मान के कारण सबसे अधिक सच्चा है टी ग्यारह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में टॉल्किन ने द्वितीय वेटिकन काउंसिल के बाद लागू किए गए धार्मिक परिवर्तनों का विरोध किया विशेष रूप से पूजा पाठ के लिए अंग्रेजी के उपयोग का उन्होंने मंडली के बाकी सदस्यों को नजरअंदाज करते हुए जोर जोर से लैटिन में प्रतिक्रियाएं देना जारी रखा छियासी दौड़ मुख्य लेख टॉल्किन और रेस टॉल्किन के फंतासी लेखन पर अक्सर नस्लवादी रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया है पचानवे छियानवे विद्वानों ने नोट किया है कि वह नस्ल और राक्षसों की साहित्यिक परंपरा के प्रति विक्टोरियन दृष्टिकोण से प्रभावित थे और वह शांतिकाल में और विश्व युद्ध के दौरान नस्लवाद विरोधी थे उन्नीसवीं सदी के अंत में यूजीनिक्स की पृष्ठभूमि और नैतिक पतन के डर के साथ कुछ आलोचकों ने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में नस्ल मिश्रण के उल्लेख को वैज्ञानिक नस्लवाद के प्रतीक के रूप में देखा सत्तानवे अन्य टिप्पणीकारों ने टॉलकिन के ओक्स में जापानियों के युद्धकालीन प्रचार कैरिकेचर का प्रतिबिंब देखा अट्ठानवे आलोचकों ने देखा है कि यह कार्य एक नैतिक भूगोल का प्रतीक है जिसमें पश्चिम में अच्छाई पूर्व में बुराई है निन्यानवे इसके खिलाफ़ विद्वानों ने नोट किया है कि टोल्किन शांतिकाल में नाजी नस्लीय सिद्धांत से नाराज थे जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह जर्मन विरोधी नस्लीय प्रचार से भी उतने ही नाराज़ थे एक सौ एक सौ एक अन्य विद्वानों ने कहा है कि टॉलकिन की मध्य पृथ्वी निश्चित रूप से बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी है और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के आधार पर टॉल्किन पर किए गए हमले अक्सर पाठ से साक्ष्य हटा देते हैं 102, 103 प्रकृति अपने अधिकांश जीवन के दौरान संरक्षणवाद अभी तक राजनीतिक एजेंडे में नहीं था और टॉलकिन ने स्वयं सीधे तौर पर संरक्षणवादी विचार व्यक्त नहीं किए थे कुछ निजी पत्रों को छोड़कर जिसमें वह जंगलों के प्रति अपने प्रेम और पेड़ों की कटाई पर दुख के बारे में बताते हैं बाद के वर्षों में टॉलकिन की जीवनियों या साहित्यिक विश्लेषणों के कई लेखकों ने निष्कर्ष निकाला कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अपने लेखन के दौरान टॉलकिन ने जंगली और अदम्य प्रकृति के मूल्य में और जो जंगली प्रकृति बची थी उसकी रक्षा करने में रुचि बढ़ाई औद्योगिकृत दुनिया एक सौ चार एक सौ पांच एक सौ लिखना को प्रभावित मुख्य लेख जे आर आर टॉल्किन का प्रभाव मध्य पृथ्वी पर टॉलकिन की फंतासी किताबें विशेष रूप से द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द सिलेरिलियन ने भाषा में उनकी दार्शनिक रुचि 107 सौ ईसाई धर्म 108 सौ आठ एक सौ नौ मध्ययुगीनवाद एक सौ दस पौराणिक कथाओं सहित कई प्रकार के प्रभावों को आकर्षित किया पुरातत्व 111 प्राचीन और आधुनिक साहित्य और व्यक्तिगत अनुभव उनका दार्शनिक कार्य पुराने अंग्रेज़ी साहित्य विशेष रूप से बियोवुल्फ के अध्ययन पर केंद्रित था और उन्होंने अपने लेखन में इसके महत्व को स्वीकार किया 112 वह एक प्रतिभाशाली भाषाविद थे जो जर्मनिक 113 सौ सेल्टिक एक फिनिश 115 और ग्रीक 116 117 भाषा और पौराणिक कथाओं से प्रभावित थे टिप्पणीकारों ने टॉलकिन के लेखन में पात्रों स्थानों और घटनाओं के लिए कई साहित्यिक और सामेक पूर्ववृत्तों की पहचान करने का प्रयास किया है कुछ लेखक उनके लिए महत्वपूर्ण थे जिनमें कला और शिल्प विशेषज्ञ विलियम मॉरिस भी शामिल थे 118 और उन्होंने निस्संदेह कुछ वास्तविक स्थान नामों का उपयोग किया जैसे कि बैग एंड उनकी चाची के घर का नाम एक उन्होंने आधुनिक साहसिक कहानियों के लेखक जॉन बुकान और एच राइडर है को भी स्वीकार किया जिनका उन्होंने आनंद लिया 120, 121, 122 कुछ विशिष्ट अनुभवों के प्रभावों की पहचान की गई है टॉलकिन का अंग्रेजी देहात में बचपन और बर्मिंघम के विकास से उसके शहरीकरण ने शायर के निर्माण को प्रभावित किया 123 जबकि प्रथम विश्व युद्ध की खाइयों में लड़ने के उनके व्यक्तिगत अनुभव ने मोर्डोर के उनके चित्रण को प्रभावित किया 124 सौ प्रकाशनो अधिक जानकारी जे आर आर ग्रंथ सूची बियोवुल्फ द मॉन्स्टर्स एंड द क्रिटिक्स मुख्य लेख बियोवुल्फ द मॉन्स्टर्स एंड द क्रिटिक्स कथा साहित्य लिखने के अलावा टॉल्किन अकादमिक साहित्यिक आलोचना के लेखक भी थे उनके मौलिक 1936 व्याख्यान जिसे बाद में एक लेख के रूप में प्रकाशित किया गया ने साहित्यिक आलोचकों द्वारा एंग्लो सैक्सन महाकाव्य बियोबुल्फ के उपचार में क्रांति ला दी यह निबंध आज भी पुराने अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन में अत्यधिक प्रभावशाली बना हुआ है एक सौ पच्चीस बियोवुल्फॉल्किन के बाद के उपन्यासों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक है जिसमें द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स दोनों का प्रमुख विवरण कविता से लिया गया है एक छब्बीस परी कहानियों पर मुख्य लेख परी कहानियों पर यह निबंध परी कथा को एक साहित्यिक रूप के रूप में चर्चा करता है इसे प्रारंभ में स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय में उन्नीस के एंड्रयू लैंड व्याख्यान के रूप में लिखा गया था टॉलकिन एक लोकगीतकार और परी कथाओं के संग्रहकर्ता के रूप में एंड्रयू लैंड के काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह लैंड के परिपुस्तक संग्रह में यात्रियों की कहानियों जानवरों की दंतकथाओं और अन्य प्रकार की कहानियों को व्यापक रूप से शामिल करने से असहमत थे टॉल्किन ने एक संकीर्ण दृष्टिकोण रखा परियों की कहानियों को उन कहानियों के रूप में देखा जो परियों के साथ या उनके बिना परियों के पात्रों के रूप में एक जादुई क्षेत्र फेरी में घटित हुई थीं उन्होंने इन्हें मानव कल्पना और मानव भाषा की परस्पर क्रिया के स्वाभाविक विकास के रूप में देखा एक बच्चों की किताबें और अन्य लघु रचनाएं अपनी पौराणिक रचनाओं के अलावा टॉलकिन को अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए काल्पनिक कहानियों का आविष्कार करने में मजा आया 128 उन्होंने उनके लिए फादर क्रिसमस के वार्षिक क्रिसमस पत्र लिखे छोटी कहानियों की एक श्रृंखला बनाई बाद में संकलित और द फादर क्रिसमस लेटर्स के रूप में प्रकाशित एक अन्य कार्यों में मिस्टर ब्लिस एंड रोवरेंडम बच्चों के लिए और लीफ बाय निगल ट्री एंड लीफ का हिस्सा द एडवेंचर्स ऑफ टॉम बॉम्बेडिल स्मिथ ऑफ बुटन मेजर और फार्मर गाइल्स ऑफ हैम शामिल हैं द हॉबिट की तरह वो टन मेजर के रोवरेंडम और स्मिथ ने भी उनके लेजेंडेरियम से विचार उधार लिए थे 130 सौ तीस होबिट दोस्तों तेरह दिसंबर दो हज़ार चौबीस को ये जो मूवी है हमें देखने को मिलेगी जापान के साथ इससे सहयोग राज्य अमेरिका में बनाया गया तो और बात की जाए तो इसके पिछले पार्ट के बारे में तो दो हज़ार एक के अंदर इसका पिछला पार्ट हमें देखने को मिला था तो इसी के बाद अब ये एक तरह से दोबारा बनाई गई है और वन इज व पिक्चर द्वारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन संभाला गया है तो इंडिया के अंदर ये तमिल तेलुगु कन्नड़ सभी में देखने को मिलेगी बाकी सारे कुछ जानकारी मैं आपको बता ही चुका हूँ आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में